आपकी अपनी ट्रेवलिंग मॉम्स फैमिली निकल चुकी है एक और धमाकेदार सफर पर। जी हाँ, तो तैयार हो जाइए अपनी सनस्क्रीन, स्विम सूट और सनग्लासेस के साथ, क्योंकि अगले 3 दिन हम सभी मिलकर ना इन महाशय को छेड़कर करने वाले हैं ढेर सारी मस्ती। को देखने को मिलेगा समुद्र का रेतीला किनारा, ये प्यारी प्यारी लहरें और उसी के साथ कुछ शैतान सी डॉल्फिन्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बांध लीजिए अपनी कुर्सी की पेटी। वेलकम टू गोवा। हमेशा ना अपोजिट साइड से आते हुए देखती है, फर्स्ट टाइम हमें ये गाड़ी जा रही है, बाजू में मेट्रो और ये आगे देख मेट्रो स्टेशन, मेट्रो को भी हरा दिया। मेट्रो में ऐसा लग रहा है दोनों एक साथ घुसे, बस डायरेक्शन अलग था तुम्हारा। ये सब क्या जा रहा है यहाँ पे? ये आरपीओ वारपीओ टाइप के कुछ लग रहे हैं, ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं होता जो, उससे रिलेटेड कुछ है, पता है रेडियो एक्टिव है, इतना पता नहीं। हमने 150 किलोमीटर कुछ सफर कंप्लीट कर लिया। ये खड़ी हमारी बगल में स्कॉर्पियो है और ये मेरी बीबी जी पीछे है, वहाँ पे लगी हुई है स्नैक्स निकालने के लिए। बाय द वे एक छोटा सा डिटूर लिया है बाजू से, ये देखो फ्लाईओवर जा रहा है, निकल गया। कीटू घूम रहा है वहाँ पे सामने की तरफ में, यहाँ पे गाड़ी लगाई है ताकि क्विक थोड़ा सा रेस्ट ले सके, कुछ खा भी सके, क्योंकि घर से जब निकले थे कुछ खाया नहीं था, बहुत जल्दी निकल आए थे। कूल लग रहा है कोई तो भाई, व्हाइट टी-शर्ट में ना, ये इमली देखी नहीं इन्होंने। ये देखना बच्ची, देखिए इसे, ओ ये इमली नहीं, इसमें कीड़ा नहीं लगा हुआ। वो भाई साहब अलग पागल हो रखे, मैडम अलग पागल हो रखे, अरे ये मेरी भी, ये जो पीछे खड़ी है ना ये मैडम, ये घर से बना हुआ सैंडविच हम लोग लेके आए हैं। बाद में मम्मी आप पोहा भी लेके आई हो? सुबह बनाया था गरम गरम। वाह, कीटू ने अपना चिकन नहीं खाया है, और यहाँ पे आशु कीटू को अपने हाथों से दही एंड वेजिटेबल्स खिला रही है। क्यों? हाँ, पेट सही रहेगा ट्रैवल में। पैर में दूंगी बटर मिल्क, वो भी इंजेक्शन से देता नहीं है ये। छोटे छोटे बच्चे है ना, बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं भाई। जल्दी बैठो जल्दी कीटू बेबी। ओए मच्चू, आ गई बेबी भी, बेबी जी आ गई। YouTube पे इतनी मेहनत करने के बाद भले हमें कोई रोड पे पहचाने ना पहचाने, इन महाशय की फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल की है। जहाँ भी जाते हैं लोगों का जुलूस लग जाता है इन्हें सहलाने के लिए। ऑलरेडी वो वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने आप लोगों को विंडमिल दिखाई थी, जहाँ पे मैंने इस गाड़ी का रिव्यू किया था, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि हम रास्ते से गुजर रहे हो विंडमिल ये रही भाई, ये आशु, लेकिन उनके कंपैरिजन में काफी छोटी है। छोटे हैं लेकिन बहुत सारे, ये पूरे यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, सामने पूरे में दिख रहे होंगे आपको, अमेजिंग है। लेफ्ट राइट दोनों साइड विंडमिल्स हैं। क्या बोल रहा है आपका? हमारे घर में सब उस्ताद मम्मी अली खान का गाना सुना, जितना भी सुरीला नहीं गा रहे, जो इतनी मतलब मिलाया जा रहा है सुर, बहुत ज्यादा सुर मिलाने की कोशिश कर रहे हो। जगह जगह पे चेकिंग है, जगह जगह पे चेकिंग दिख रही है, वहाँ पे गाड़ी चला रखी किसी ने ना, दंगे हुए हैं, दंगे आशु वहाँ पे। और ये सब पता क्यों हो रहा है आशु? यहाँ पे क्या है कि इलेक्शन अभी लागू हो गया ना, तो जैसे जैसे हम जिस स्टेट की बॉर्डर छोड़ रहे हैं ना, हर जगह चेकिंग चल रही है कि हम अपने साथ कैश या फिर वेपन्स लेके ट्रैवल तो नहीं कर रहे, बिकॉज आचार संहिता लागू हो जाती है इलेक्शन के टाइम पे, आप अपने साथ कैश एंड वेपन लेके ट्रैवल नहीं कर सकते, कैश एक सर्टेन लिमिट तक। हमने पूरा गाँव सजा रखा है ना, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, दूर से नजर पड़ेगी इस कलर। अभी मैं आशु को पुलिस चेकिंग का एग्जाम्पल दे ही रहा था कि तभी वहाँ सामने बैरिकेड के पास खड़े एक पुलिस कर्मी ने हमारी गाड़ी रोक ली और सारे बैग्स निकलवा कर चेकिंग किए। 15 मिनट की थोरो चेकिंग के बाद अब समय आ चुका था इन्हें राम राम करके हमारी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ने का। डॉक्टर आशी ये क्या कर रहा है? ये क्या भाई, ये इंजेक्शन से क्या चल रहा है, ये कौन सी दवाई दे रहा है? अरे ट्रैवल में ना डॉक्टर्स बोलते हैं बटर मिल्क जितना हो उतना पिलाओ, लेकिन ये बटर मिल्क भी नहीं पीता है। तेरी शक्ल देखो, शक्ल देखो चले।
और बहुत पहले से ना यहाँ पे बहुत लामास दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे देखो पूरी उनकी शायद मोनेस्ट्री है। फाइनली हम गोवा में एंटर कर चुके थे और अगोंडा बीच पे लोकेटेड हमारा रिजॉर्ट यहाँ से एग्जैक्टली 24 किलोमीटर दूर था। आज यू फाइनली हम लोग पहुंच चुके गोवा और वो देख सामने, माय गॉड, ऊपर वो घर देखो राइट साइड में, देख क्या है यार, ऐसा घर नहीं होना चाहिए। जगह जहाँ पे तुम रह रहे हो उसके सामने तुम्हें क्या देखने को मिले? और पीछे पीछे आ गए मम्मी, एक्साइटमेंट दिखाओ। कोई मुझे बता सकता है कि बाहर देख के टेम्परेचर कितना लग रहा होगा आपको? मस्त लग रहा है ना, सामने आपको इवन मिस्ट भी दिख रही होगी। अभी देख के टेम्परेचर ऐसा लगेगा जैसे कि भाई 22-23 डिग्री 20 डिग्री के अंडर टेम्परेचर हो, बट यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज 33 डिग्री सेल्सियस, दैट टू विद अ गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी। अलग से चेहरे पे वो चिकनापन फील हो रहा है, भयंकर गर्मी है भाई, भयंकर गर्मी। वेलकम टू गोवा हो चुका है हमारा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऑफ सीजन जा रहे हैं और ऑफ सीजन जाने का फायदा क्या होता है अशोक? बहुत कम लोग मिलने वाले हैं, बहुत ज्यादा कम लोग मिलने वाले हैं। पूरा बीच किसका होगा अशोक? हमारा, अपुन का, अपुन का। ऐसा ऑटो तो मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में देख रहा हूँ, गजब। इन 200 मीटर्स टर्न लेफ्ट, then 600 meters your destination will be on the right. I am excited, Mota, are you excited? मैं ऊपर देख लोगों को शॉट देने के लिए ना इंस्टा 360 यूज कर रहा हूं। हम लोग बहुत सही टाइम पे पहुंच गए, पहुंचे एग्जैक्टली 10 घंटे में कि हम लोग 4 बजे जो टारगेट था उस पे पहुंच गए। देख इसको घूमने की कितनी पड़ी है इसको। मम्मी आप पकड़ लो, मैं सामान रखवा देती हूं। निकाल ले, ऑलमोस्ट लगाई थी हम लोगों ने, किडो की नाक चल गई वहाँ पर। हमने जो सी फेसिंग यूनिट बुक की थी वो रियलिटी में काफ़ी छोटी निकली और हम तीन लोगों को एक ही रूम में रहना था बिकॉज मम्मी को अकेले में डर लगता था। अब हमारे पास दो ही ऑप्शंस थे, या तो इस रूम से कंटिन्यू करें या फिर नॉन सी फेसिंग यूनिट्स में शिफ्ट कर जाएं। क्योंकि मम्मी अकेले नहीं रह सकती। हाय किटी। हेलो बेटू। हाय, हाय किटी। यहाँ के रूम काफी स्पेशियस थे और एक्स्ट्रा बेडिंग आने के बावजूद भी हमने अगले 3 दिन कितनी मस्ती की वो तो आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि धूप तो बहुत रहेगी, गर्मी बहुत रहेगी आफ्टरनून में, तो सी फेसिंग में तो डायरेक्ट सन आएगा, रूम में तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, तो हम नहीं ले रहे उसको। ये सारे पेड़ है यहाँ पर एंड कीटो के लिए भी लाइक थोड़ा ग्रीनरी है यहाँ पे आसपास और उसे तो बहुत गर्मी लगती है। लेट्स गो पिक मम्मा। कीटो जो की कार में वहाँ बैठे हैं। ना पता भी नहीं है अभी तो क्या देखने वाला है, पहली बार की तो बीच देखेगा कि तो मम्मा देव, मम्मा देव बाय। ये बदतमीज, इसको पता ही नहीं अभी इसके लिए क्या है और मटके हुए चल रहा है। तो देखो की तो क्या है ये कीटो, एक बदतमीज पहली बार आगे हर जगह सुसु करनी है। कीटो कभी समुद्र में उठती ये शानदार लहरें आपको दिखाई तो दे ही रही होंगी, उसी के साथ साथ आपको दिख रहा होगा पूरे बीच पे फैला हुआ सन्नाटा। जी हाँ, हम यहाँ पर ऑफ सीजन आए थे एंड बिलीव मी ये परफेक्ट टाइमिंग है अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ गोवा एक्सप्लोर करने का मन बना रहे हैं। आप चाहें तो हमारी तरह अगोंडा बीच जो कि साउथ गोवा में लोकेटेड है इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं ड्यूरिंग समर्स। सब बीच की मस्ती करके लोग यहाँ पर आ गए, कुछ स्नैक्स, टोटल हम लोगों ने ये आइटम्स लिए है
क्यों मम्मी? शॉपिंग की वीडियोस तो ली नहीं हमने, अब देव को क्या बोलेंगे? देव हमें डांट लगाएगा। हम शॉपिंग रिवील की वीडियो बना सकते हैं उसे बचने के लिए कि हम क्या शॉपिंग करके लाए यहाँ की फ्लीट मार्केट से। चलो दिखाएंगे उनको। हाँ, उम्मीद करते हैं कि बैंगलोर से गोवा तक का हमारे सफर आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।